रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत बरहट गांव में 10 माह की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर पुलिस कप्तान सहित सतना से डॉग स्क्वाड दल भी पहुंचा। पुलिस अपहरण के हर पहलू पर नजर रखकर जांच में जुटी हुई है। रीवा जिले का गढ़ थाना पिछले लंबे समय से लगातार चर्चाओं में है। अभी कुछ दिन पूर्व यहां पर दीवार गिरने की वजह से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हुई थी। ताजा मामला 10 माह की बच्ची के अपहरण का है, वह भी माता पिता की मौजूदगी में। रात को सोते समय अपहरण होना तमाम सवालों को जन्म देता है। मामला रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहट गांव का है, जहां पर उर्मिला देवी अपनी 10 माह की बच्ची के साथ रात को घर में सो रही थी। बच्ची के पिता भी वहां पर मौजूद थे। देर रात तक बच्ची बिस्तर पर ही थी। उसके बाद माता पिता दोनों सो गए। घर के दरवाजे खुले हुए थे। आमतौर पर गांव के घरों में कुछ ऐसा ही होता है। ज़्यादातर लोगों के घर के दरवाजे या तो खुले होते हैं, नहीं तो होते ही नहीं। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे में 10 माह की बच्ची का अपहरण, गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती, गांव वालों में आक्रोश तमाम सवालों को जन्म देता है। थानागढ़ में ग्राम बरहट में उर्मिला देवी जो है अपनी बच्चे के साथ में, जिसकी उम्र जो है लगभग 10 माह की है, वो अपने साथ सुलाई हुई थी और उनके पिता जो है लड़की के शरिया के पिता, वो चारपाई पे अपने बच्चे के साथ सो रहे थे। करीब 1 बजे तक उनने देखा कि बच्ची थी और जब सुबह 4 बजे उठे तो बच्ची अपनी माँ के पास नहीं थी। वो दहलीज पे दरवाज़ा खुला हुआ सो रहे थे और गेटी पे उनकी उर्मिला जो है अपने बच्चे के साथ में थी, शरिया के साथ में। न मिलने पर आसपास तलाश की, फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस थाना प्रभारी गढ़ मौके पे अपने दलबल के साथ पहुँचे। उनके साथ अन्य थाना जो सरहदी हैं उनके भी पुलिस अधिकारी पहुँचे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय भी गए हैं और वहाँ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं। सभी लोग ने जाकर स्पॉट देखा है। अभी सभी एंगल से उसकी सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि पास में लगा हुआ जंगल भी है, दरवाज़ा वहाँ खुला हुआ था।